दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सैमसंग 28 लीटर में पिज़्ज़ा कॉन्वेक्शन मोड में कैसे बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट करना होगा और हम प्लग लगा दिए, स्विच को ऑन कर दिए। अब हम माइक्रोवेव के अंदर छोटा वाला जो रैक होता है उसको रखेंगे और इसके बाद हम कॉन्वेक्शन मोड में जाएंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा ओवन प्रीहीट होने लगेगा। जब तक प्रीहीट हो रहा है हम इसका पिज़्ज़ा का टॉपिंग बना लेते हैं और कितना देर प्रीहीट होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पिज़्ज़ा बेस को हम इस तरह से उल्टा करके रख दिए हैं और अभी एक सॉस बनाएंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। हमारे पास सेजवान सॉस है, उसको हम इस तरह डाल दिए हैं और टोमेटो केचप, इसको भी हम इसके ऊपर डालेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसको फैला देंगे बहुत अच्छी तरह से। और अभी हमारे पास चीज़ स्लाइस है जो अभी हम इसके ऊपर सजा देंगे। आपके पास जो भी चीज़ है आप इस तरह से लगा सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद। और कुछ वेजिटेबल्स अभी रखेंगे जैसे कि टोमेटो, टोमेटो को हम इस तरह से काट लिए हैं और शिमला मिर्च। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है जैसे कि ओनियन, मशरूम, स्वीट कॉर्न, जो भी है आप इसके अंदर इसके ऊपर लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है कॉन्वेक्शन मोड में, कोई भी बना सकता है। अभी हम इसके ऊपर स्वीट कॉर्न लगा दिए हैं और थोड़ा सा नमक इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और थोड़ा सा चिली पाउडर इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और ऑरिगेनो सीजनिंग वो भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। और अभी एक ज़रूरी टिप्स जो कि हमारे पिज़्ज़ा को बहुत ही स्वादिष्ट बनाएगा और क्रिस्पी क्रंची बनाएगा, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अभी हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रेडी हो गया, इसको अभी हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। और चलिए अभी हम बेक कर लेते हैं। हमारा प्रीहीट हो गया है, प्रीहीट होने में 4 मिनट्स टाइम लगा तो इसको हम माइक्रोवेव के अंदर रख दिए हैं। और अभी हम टाइम सेट कर लेंगे, टेम्परेचर 180 डिग्री और 15 मिनट्स के लिए हम इसमें टाइम सेट कर दिए हैं और स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा पिज़्ज़ा देखिए बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। 180 डिग्री में 15 मिनट्स के लिए पिज़्ज़ा बनेगा और देखिए कुछ ही मिनट टाइम बचा है और अभी 15 मिनट्स पूरा हो गया, हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है, क्रिस्पी क्रंची। तो आज हम आप लोगों को बताएं कॉन्वेक्शन मोड में पिज़्ज़ा कैसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए।